नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। बड़े कमाल की, बहुत ही गजब की रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर दिखने वाली रेसिपी। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसके लिए आप लोग बताते हैं। पनीर कैप्सिकम मसाला बहुत ही स्पेशल रेसिपी है मेरी और आप लोग बताते हैं। बड़े आसानी से आप लोग घर में चुटकियों में बनाएं, चुटकियों में आप लोग इसको बना सकते हैं, यकीन मानिए। और आप लोग अगर हमारे अगर रेसिपी फॉलो करते हैं तो वाकई में आप लोग वैसे ही खाना बनाएंगे जैसा आप लोगों ने होटल में खाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हमने डाला इसमें तेल। तेल डाला हमने 40 ग्राम। आप घी भी ले सकते हैं इसकी तेल की जगह पे, आप घी में भी बना सकते हैं। इसमें डाला हमने तेज पत्ता 2 पीस और 2 छोटी इलायची, 2-3 छोटी लौंग, तो चलिए इसको हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, सिकने देते हैं। जब तक हम ब्राउन नहीं होगा जब तक इसमें दूसरे मसाले नहीं डालेंगे ना, तो खड़े मसाले का फ्लेवर नहीं आएगा। तो खड़े मसाले का फ्लेवर आने के लिए और ये हमने डाला इसमें गार्लिक, 4-5 कटे हुए हमने इसमें लहसुन की कली छोटे छोटे पीस में काट लिया था, तो इसको भी ब्राउन होने देंगे। और जैसे ब्राउन होगा उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। ये देखिए, क्योंकि गार्लिक ब्राउन होने बहुत जरूरी है, ना तो अगर जब खाते हैं तो कच्चा कच्चा मुंह में लगता है। और ये हमने डाली 2 कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप तीखी है मिर्ची तो एक ही डालें, अब बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद में हम डालेंगे इसमें चौप मसाला। जो चौप मसाला बनाया है इसके आप लोगों के लिए बताएंगे कैसे बनाया है। तो ये देखिए, और चौप मसाला हल्का सा इसको सिकने देंगे, उसके बाद में इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को हमने क्यूब में काट लिया था और कैप्सिकम हमने लिया था 150 ग्राम पर, 1 कैप्सिकम लिया था और उसमें निकला होगा करीब साफ करके 100 ग्राम। ये देखिए, तो इसमें हमने डाल दिया 1 कैप्सिकम। कैप्सिकम जैसे हमारा हल्का सा सेक गया है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमने हल्दी डाली आपकी 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, किचन किंग मसाला 1/2 टीस्पून और एक कश्मीरी मिर्च 1/4 टीस्पून की हाफ। और इसमें हमने डाला धनिया 1 टीस्पून, धनिया और नमक डालना है स्वाद अनुसार। बस इसको थोड़े से मसाले को चला लेना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेवी। ये देखिए, और बहुत ही गजब की रेसिपी है, डाली हमने येलो ग्रेवी। येलो ग्रेवी बोले तो जो प्याज की ग्रेवी बनाते हैं वो डाली है। प्याज से ग्रेवी बनाते हो उसके आप लोगों कैसे बनाई हमने ग्रेवी उसके आप लोगों लिंक मिल जाएगी। इसको अच्छे से सेकना है, ग्रेवी को सेकने देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी पड़ेगा, तो पानी पड़ेगा इसमें करीब करीब 100 ग्राम। ये देखिए, पानी डाल दिया था, मैंने नहीं दिखा पाया हूँ तो यहाँ पर हमने पानी डाला था करीब करीब 100 ग्राम। और इसको पकने देते हैं। ये देखिए, और ये ग्रेवी इस तरीके हमारी पक चुकी है। अगर ये देखिए, अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर डाला हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, 4 से 5 लोगों के लिए हो जाएगा। ये देखिए क्या, और इसमें हमने डाली क्रीम। क्रीम डाली इसमें करीब करीब 40 ग्राम फ्रेश क्रीम आपको मिल जाएगी डेयरी पे। और हम डाली धनिया, कोरिएंडर चॉप, ये देखिए। और बस ये हमारा पनीर कैप्सिकम मसाला रेडी। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आगे आप लोग हम दिखाएंगे इसके हम गार्निशिंग करके कि कैसे आप लोग इसको तैयार करके टेबल पे सर्व कर सकते हैं। और बस ये अगर आप लोग ग्रेवी बना के रखते हैं तो आपकी ग्रेवी 15 दिन तक खराब नहीं होगी। और इसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ा, 1 पीस लेमन, 1 नींबू में से 4 पीस बनते हैं तो हमने 1 पीस लिया है। फिर हमने ग्रेटेड पनीर डाला, कंप्लीट है। और इसमें हम डाला बटर। ये देखिए, बटर की तो बात ही अलग है, बटर डालते ही टेस्ट 4 चांद लग जाते खाने में। और थोड़ी सी क्रीम, ये देखिए कितना सुंदर लगने लग गया। तो आगे आप लोग सर्व कैसे कर सकते वो दिखाएंगे। तो हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों के लिए। और आप लोग जो हमने बोला येलो ग्रेवी वो हमने डाली है तो उसके आप लोगों लिंक मिल जाएगी, देख लेना। पंजाबी ग्रेवी और 5 प्रकार की ग्रेवी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें हमने आप जो वीडियो डाला है 5 प्रकार की ग्रेवी में आपके लिए येलो ग्रेवी की लिंक मिल जाएगी, चौप मसाले की लिंक मिल जाएगी, वाइट ग्रेवी की लिंक मिल जाएगी। 5 प्रकार की ग्रेवी डाली है, 5 प्रकार की ग्रेवी आप सर्च करेंगे तो 5 प्रकार की ग्रेवी में आपको सारी ग्रेवी मिल जाएंगी।
अलग से हमने येलो ग्रेवी का एक वीडियो अपलोड किया है, रेड ग्रेवी का वीडियो अपलोड किया है, होम मेड ग्रेवी का वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग देख लेना। इसमें काफ़ी आइटम की आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। और ये बहुत ही गजब की रेसिपी, और कल आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मिलने वाला है, समर्थ वाले चैनल पर जाकर देख लेना, जो कि हमने कॉलोब लाइव में कैसे ऊपर जाएं तो उसका वीडियो बनाया है, तो आप देख लेना, समर्थ वाले चैनल पर डाला है, बहुत ही गजब का वीडियो है। तो आप चले हम कर लेते गाने सिंह। ये देखिए हमने पनीर निकाला, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और ग्रेटेड पनीर डाला, कैप्सिकम डाला, ये देखिए, और ये ग्रेटेड पनीर डाला और कैप्सिकम थोड़े से निकाल लिए थे इसमें से, जब हम बनाए उसमें ब्राउन करे थे गार्निशिंग के लिए। और हमने धनिया और ये देखिए रोगन डाला, और अभी इसमें क्रीम और रोगन, और देखिए कितना सुंदर लगने लग जाएगी। और ये हमने डाली क्रीम, देखिए हमारे तो हमारे चार चांद लग गए इसमें, और हल्का सा इसके ऊपर बटर डाल दिया था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था। इस तरीके से आप गार्निशिंग कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं प्लेट को, और इस तरीके से आप लोग सर्व कर सकते हैं। तो आप लोग अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा रेसिपी। और ये बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत अच्छी डिश है, पनीर कैप्सिकम मसाला, और बहुत प्यारी रेसिपी है। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग बनाएं और खाएं और फिर बताएं कैसी लगी आप लोग के लिए। थैंक यू।